हाय, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का तीखा सेव। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और बेल का बटन आप जरूर दबाइए सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए। देखते हैं इसमें क्या लगता है, कैसे बनता है। ये मैंने एक सेव झाड़ने का मोल्ड लिया है, मोल्ड और मशीन, और इसमें मैंने ये दो टाइप के मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये एक जाड़ा सेव है और एक पट्टी जैसा है। और ये मैंने आधा टेबल स्पून अजवाइन लिया है। ऑयल लेंगे हम 4 टेबल स्पून मयान के लिए और फ्राई करने के लिए, और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। 1 बड़ा टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया तीखा, और इसी कलर भी आएगा। बेसन लिया मैंने 250 ग्राम, खाने वाला सोडा लिया 2 चुटकी, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है मैंने, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिया है, और पानी लेंगे हम गुनने के लिए आटा। अभी देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें मैं 1/2 बेसन निकालूंगी और अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप 1/2 किलो का लीजिए। ये मैं 125 ग्राम और 125 ग्राम कर रही हूँ, 2 भाग का बना रही हूँ मैं। और इसमें डालेंगे हल्दी, चिली फ्लेक्स। आप तीखा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, या बच्चों के लिए बना रहे तो आप नहीं भी डालें, आपकी मर्जी है। और इसमें खाने वाला सोडा लेंगे हम 1 चुटकी, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून और चम्मच, ये छोटा है तो मैं 3 टेबल स्पून ले रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अभी इस सबको हाथों से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे हम ऐसे हाथों से। आप अच्छे से मसलते हुए इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, और एक डो बना लेंगे हम। ये अच्छे से मैंने देखिए डो बना लिया है ऐसे। अब इसको मैं साइड में रख दूंगी और जो बाकी का बेसन था सेम इसी बेसन में ऐड करेंगे। बाकी की जो चीज़ें हैं सब डाल देंगे, अजवाइन, खाने वाला सोडा और लाल मिर्च, नमक टेस्ट के हिसाब से डालिए आप नमक। और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अभी इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने इसमें अजवाइन डाला। आपको चाहिए तो आप जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन अजवाइन से क्या इसमें एसिडिटी नहीं होती है और हजम हो जाता है, क्योंकि बेसन हैवी होता है थोड़ा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, जीरा या अजवाइन। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम डो बना लेंगे। इसका भी मैंने डो बना लिया है। देखिए
इसका भी आप ऐसे डो बना लीजिए। अभी देखते आगे, ये मैंने प्लेट में रख दिया है, निकाल के ऐसा मोल्ड लेंगे हम। और इसमें जो हमें बनाना है पहले वो डालेंगे। और उसके बाद में ये मिक्सचर उसमें डाल देंगे ऐसे करके। और इसको बंद कर लेंगे। और साइड में मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है और ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो ये सांचे में मैंने डाल लिया है डो हमारा। अभी देखते हैं हम, ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो अभी इसमें हम मशीन से सेव बना लेंगे। और गैस को मीडियम रखेंगे हम, गैस को मैंने मीडियम रखा है। इसमें हम सेव बना लेंगे। ऐसे करके हमें बना लेना है। और इसको हम थोड़ा चला देंगे। और इसको हम पलट लेंगे, आराम से पलट दिया। और अच्छे से पकने देंगे कम आंच पे। ये अच्छे से पक गया है, ब्राउन हो गया है। अभी इसको हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे। ऑयल को निकलने दीजिए, गिरने दीजिए अच्छे से। अभी दूसरा वाला जो है मोल्ड, मैंने उसमें प्लेट लगा लिया है और इसमें मैंने डो डाल लिया है। फिर दूसरा भी हम बना लेंगे। गैस को हम कम रखेंगे। और ऐसे चलाते हुए हम गैस को हम कम में रखेंगे और मध्यम आंच में इसको पकाएंगे। और बाद में गैस को थोड़ा फास्ट करके इसको ब्राउन करेंगे। थोड़ा सा ऐसे आप ऑयल ऊपर डालिए। अभी इसको हम पलट लेंगे, आराम से पलटिए ध्यान से। ये मैंने पलट लिया है और इसको कम आँच पे हम पहले पकाएंगे। और इसको मैं पकने देती हूँ। ये अच्छे से पक गया है, क्रिस्पी हो गया है। और गैस को मैंने फास्ट कर दिया था तो ये पक गया। इसे मैं निकाल लेती हूँ और गैस को हम ऑफ कर देंगे। ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है और ये हमारा बेसन का तीखा सेव बन के तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बेल का बटन आप ज़रूर दबाइए सबसे पहले मेरा वीडियो देखने के लिए। और आप बेसन और तेल और तीखा अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। जो हमने म्यान में तेल यूज़ किया था, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये देखिए कितना कड़क और अच्छा बना है, क्रिस्पी। आप बना के देखिए और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए। और बहुत बहुत थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर से मिलेंगे हम नए रेसिपी के साथ में। बाय।